मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर फिजियोलॉजी देखें तो उसपे हम इस थ्योरी को जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखाया करते हैं उसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो पेशी अगर संकुचित होती है तो उसके अंदर हम सार्कोमियर को लेते हैं, ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है और इस सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पहले से ये देखा था कि यहाँ पर बीच में एक ए बैंड होता है डार्क बैंड और साइड में हाफ हाफ आई बैंड होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जेड लाइंस थी। अब जैसे ही यहाँ पर कैल्शियम आता है तो कैल्शियम की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद यानी ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कैल्शियम के सार्कोप्लाज्म में रिलीज होने के बाद की घटना है और उसमें हम देखते हैं कि मायोफाइब्रिल के ऊपर कैल्शियम आ चुका था जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा। अब ये कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन से जुड़ेगा जो एक्टिन फिलामेंट है उसका कंपोजिशन है, लेकिन वो बाद में देखेंगे अपन कि किस तरह से उसके अंदर जुड़ता है। उससे पहले अपन देखते हैं कैल्शियम आने के बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इस सार्कोमियर में क्या चेंजेस आते हैं तो सबसे पहला चेंज हम देख सकते हैं ये जेड लाइन, ये यहाँ थी, ये जेड लाइन यहाँ थी कॉन्ट्रैक्शन से पहले, अब ये अंदर की तरफ खिसक गई है तो दोनों जेड लाइन एक दूसरे के नजदीक आती हैं। तो पहली घटना तो ये होती है। अब अगर ये एक्टिन फिलामेंट इधर और एक यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट देख रहे हैं, ये दोनों स्लाइड करते हैं इस मायोसिन पर, इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। तो मायोसिन इनको खींचता है और कैसे खींचता है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। पहले इसमें ये देखेंगे कि दोनों ए जो एक्टिन फिलामेंट है दोनों पास में आने की वजह से ये एच जोन जो बीच का होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो वहां दिखाई नहीं देता क्योंकि ये संकरा हो जाएगा, दोनों जेड लाइन पास में आएंगी तो इसका मतलब ये जोन डिसअपीयर हो जाता है, तो एच जोन यहां पर डिसअपीयर हो जाएगा, ये घटना होगी नेक्स्ट। तो इसका मतलब यहां पर एच जोन के बीच में एक एम लाइन दिखाई दे रही थी, यहां एच जोन के बिना एम लाइन दिखाई देती है, ओनली एम लाइन दिखाई देगी। फिर इस पे जो खींचने वाला है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा मायोसिन फिलामेंट यहाँ था वैसा का वैसा यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर इस ए बैंड पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन आई बैंड, वो आई बैंड जेड लाइन इधर खिसकने की वजह से कैसा हो गया नैरोवर, तो आई बैंड नैरो हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या परिवर्तन आए, जेड लाइन पास में आ गई दोनों, उसके साथ एच जोन डिसअपीयर हो गया, ए बैंड में कोई फर्क नहीं आया, आई बैंड जो है नैरो हो गया, तो ये अपने को देखने को मिलता है। लेकिन उस तरफ हम इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर हम एक्टिन फिलामेंट को तीन तरह की प्रोटीन से मिलकर बना रहे थे, एक था एक्टिन जो ग्लोबुलर और फिलामेंटस दोनों प्रकार का होता है, फिर इस पर लगा था एक पर्दा और उसको ट्रोपोमायोसिन का पर्दा कहा, और उसके साथ साथ एक ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन और होती है वो भी लगी होती है, तो तीन तरह की प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है, जबकि मायोसिन जो है वो मीरोमायोसिन से मिलकर बने थे जिनमें से अपन ने देखा था कि एक तो LMM था और दूसरा HMM है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इनसे ये बनता है। अब कैल्शियम क्या अटैच होता है, कैसे अटैच होता है, उसके लिए अपन एक सिंपल सी एक स्टोरी उसको बनाते हैं और उसको बनाने के बाद इसमें देखते हैं कि ये सारा किस प्रकार से प्रोसीजर होता है। हालांकि इसमें सीधी सी बात है कि कैल्शियम ट्रोपोनिन से आके अटैच होगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अब ये सारा कुछ एक इजी तरीके से याद करें तो अपन यूं कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे मायोसिन को हम डाकू मंगल सिंह मान सकते हैं। अब ये डाकू मंगल सिंह है और ऐसा डाकू है जिसके 250 से 500 हाथ है और उस सभी के हाथों में अपन देख रहे हैं बंदूकें लगी हुई, तो हेड जो है इनकी बंदूकें हैं। अब इसके साथ साथ हम इनको देख रहे हैं एक्टिन, जितने भी एक्टिन हमने यहाँ पर लगाए उसको हम हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे मान लेते हैं और ये बच्चे रो में बैठे हैं यहाँ पर सारे के सारे। अब ये डाकू मंगल सिंह जो है वो प्रसिद्ध है किडनैपिंग के लिए, तो बच्चों को उठा के ले जाता है, ये ऐसा डाकू मंगल सिंह है। तो अब यहाँ पर इन सारे बच्चों की सुरक्षा उसके करने के लिए हमें कुछ प्रबंध करना पड़ेगा इसका, तो प्रबंध करने के लिए हम एक ऐसा पर्दा लगाते हैं जिसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं और ये पर्दा जो होता है बुलेट प्रूफ होता है, इसके पास जो बंदूकें हैं अगर इसके अंदर से निकलेंगी तो कोई असर नहीं करेगी, तो बुलेट प्रूफ पर्दा, और उस पर्दे को पकड़ने वाला भी व्यक्ति बुलेट प्रूफ होना चाहिए, उसको भी यहाँ पर किसी प्रकार से
कोई हानि नहीं पहुंचती अगर उसमें बंदूक से गोली मारी जाती है। तो ये बुलेट प्रूफ बंदा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन सारे जितने भी स्टूडेंट हैं इनका प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे हमारे संस्थान में 3 डायरेक्टर्स हैं, तो उनमें से कम सबसे पहले जिनकी बात आती है कि सुरक्षा के अंदर सबसे ज्यादा सहयोग कर सकते हैं, तो वो हैं जेठमल सर। जेठमल सर अगर करेंगे तो उसमें उनसे पूछा जाता है कि भाई आप सिक्योरिटी के लिए तैयार हैं क्या, तो वो कहते हैं नहीं मुझे और भी काम है इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बच्चों से रैंक लिस्ट भी डिस्कस करनी होती है, उसके बाद बच्चों से मैं जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनकी बातें करता हूं, तो मुझे इतना समय नहीं है कि मैं प्रोटेक्शन कर पाऊँ। फिर दूसरे संस्थान के डायरेक्टर जो हैं बजाज सर, उनसे संपर्क किया जाता है, तो बजाज सर कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सीधा साधा इंसान हूँ, कहाँ डाकू के सामने मुझे भेज रहे हो, तो इसलिए वो भी मना कर देते हैं। अब रही बात श्वेत सर की, उन्हें तो अब करना ही करना था, तो उन्हें यहाँ पर लगा दिया जाता है, वैसे भी बुलेट प्रूफ वही है, तो बुलेट प्रूफ होने के कारण उन्हें यहाँ पर बिठा दिया जाता है। अब बिठा दिया जाता है तो डाकू मंगल सिंह जो है, जो कि मायोसेन है, उसे इन सारे बच्चों पर बंदूकें तालनी है, लेकिन बीच में पर्दा और ये प्रोपोनेंट, ये सारे हिंड्रेंस है इसके लिए। अब वो अपने सारे जितने भी साथी होते हैं उनसे इस प्रोपोनेंट यानी श्वेत सर की कमजोरी पता करने के लिए कहा जाता है उनको, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं और इन्हें रिश्वत देते हैं सबसे पहले, तो 1 करोड़ की रिश्वत दी जाती है आपको, आप इस पर्दे को हटा लें। तो वो श्वेत सर उस 1 करोड़ रुपए के लात मारते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं उठा के, कि नहीं मुझे नहीं लेना इसको। अब उसकी स्थिति में ये होता है कि भाई वो निराश होकर वापस जाते हैं डाकू मंगल सिंह के पास, कि भाई वहां पर ऐसे तो वो मान नहीं रहे, गोलियां लगती नहीं है उनको, तो अब क्या किया जाए। तो अब ये किया जाए कि अब उन्हें जो डाकू मंगल सिंह है एक आदेश देता है कि कुछ ऐसा है कि इनके घर तक आप 3-4 दिन तक जाएं, रास्ते में देखें इनको और क्या कमजोरी इनकी हो सकती है। तो फिर उन्हें ये महसूस होता है कि जब भी वो घर जा रहे होते हैं संस्थान से, तो उस समय वो रतन बेरी पार्क के पास रुकते हैं, और वहां जब रुकते हैं तो इसका मतलब वहां पर कोई कमजोरी है, और कमजोरी है कि वहां एक पाव भाजी जो है उसका ठेला लगा करता है, वहां से रोज पाव भाजी खाते हैं, तो पाव भाजी उनकी कमजोरी है ये पता चल जाता है। तो डाकू मंगल सिंह इस बार पेशकश करता है कि उन्हें पाव भाजी दी जाए, और यहाँ पाव भाजी की जगह कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम पाव भाजी है ट्रोपोनेम के लिए, तो इस ट्रोपोनेम के लिए कैल्शियम जैसे ही आएगा उस समय क्या होगा, ये पर्दा जो ट्रोपोमायोसिन का लगा हुआ है वो हट जाएगा, हट जाएगा, तो डाकू मंगल सिंह अपना काम कर लेगा, सारी की सारी बंदूकें इन सारे स्टूडेंट पर तन जाएंगी, और तन जाने के बाद इसका मतलब यहाँ पर इस कैल्शियम के आने से या पाव भाजी के आने से सारा कुछ गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ होने पर यहाँ पर देखते हैं ट्रोपोनेम ने यह पर्दा हटा दिया। हटाते ही यहाँ पर एक्टिन किडनैप हो गया, और किडनैप होने के लिए मायोसिन के हेड से जुड़ गया, तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन ये होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के समय हमेशा फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन होना जरूरी है। अब हमारे बच्चे ऐसे इतने कमजोर तो है नहीं कि वो सीधे के सीधे यहाँ पर किडनैप हो जाएंगे, वो कुछ एफर्ट भी करेंगे, इनका सामना भी करेंगे, तो सामना करने के लिए वहां क्या चाहिए, डाकू मंगल सिंह को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी देने के लिए ATPase एंजाइम इस मायोसिन के पास है यानी मंगल सिंह के पास है, तो ATPase एक्टिविटी रिक्वायर्ड और ये ATPase एक्टिविटी जब रिक्वायर्ड होती है तो ATP को ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें तोड़ देती है, और यहां एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी एक्टोमायोसिन बनाने के काम आती है। तो ये मायोसिन के हेड में ATPase एंजाइम होता है, वो कल हमने देखा था। अब ये यहाँ पर ATPase एक्टिविटी होगी तो ATP को तोड़ के एनर्जी प्राप्त होगी, एनर्जी यूज आ जाएगी इसमें, तो अब ये सारा का सारा प्रोसेस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर यहां देखते हैं हम कि ट्रोपोनिन उसकी कमजोरी पाव भाजी थी या कैल्शियम थी, तो इसका मतलब मंगल सिंह को भी तो कुछ पसंद होगा, तो अगर मंगल सिंह को कुछ पसंद है यानी मायोसिन, वो रिलैक्सेशन कब दर्शाएगा यानी कब ये बच्चों को छोड़ देगा किडनैपिंग में, उसे देखने के लिए हम इसी प्रोसेस को उल्टा करें, तो उसके लिए एक आयन जरूरी होगा, मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम आयन मायोसिन के लिए रसमलाई
और रसमलाई उसकी कमजोरी है। तो कमजोरी अगर यहाँ पर हमारे श्वेत सर की ये है तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मंगल सिंह की कमजोरी है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम या रसमलाई आने पर क्या होगा, ये एक्टोमाइब से टूटेगा और टूटने के बाद यहाँ पर वापस से रिलीज हो जाएंगे एक्टिन और एक्टिन पर पर्दा लगा देगा फिर से ट्रोपोनेट। तो इसका मतलब उल्टा प्रोसीजर हो जाएगा, ये मैग्नीशियम के आने पर ऐसा होता है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर इन दोनों को उल्टा बना देंगे, तो ये कॉन्ट्रेक्शन इस तरफ और वापस चले तो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन यूं। अब इन दोनों प्रोसेस में हुआ क्या उसको हम एक लिस्ट के थ्रू बना सकते हैं कि यहां पर ऐसा ऐसा हुआ, रिलैक्सेशन में ये होता है और कॉन्ट्रेक्शन में ये होता है। तो उसके लिए हम यहां पर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या क्या हुआ। कॉन्ट्रेक्शन के दौरान सबसे पहला स्टेप ये होता है कैल्शियम आयंस अटैच्ड टू ट्रोपोनिन। सेकंड इसमें ये होता है द कवरिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन से हट जाएगा ये कवर ट्रोपोमायोसिन का। थर्ड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन इस पे हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपीएज एक्टिविटी। एटीपीएज एक्टिविटी जब होगी तो उसके बाद ये फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ऐसा होने से क्या होगा, टू एडजेसेंट जेड लाइन्स कम क्लोजर टू ईच अदर। तो एक दूसरे के पास नजदीक आएंगे ये जेड लाइन। फिर इसके बाद होगा आई बेंड्स गेट narrower and there is no change in the width of A band। A band में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इसके साथ ही H zone disappear एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रेक्शन अकर। तो कॉन्ट्रेक्शन होने में ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे और ये सब फॉलो होंगे तो रिलैक्सेशन के दौरान इससे उल्टा होगा सारा। और उसे देखने के लिए हम इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलते हैं और इसके अपोजिट सारे एक्शन देखते हैं। सबसे पहला या कैल्शियम की जगह रिलैक्सेशन में क्या होगा, मैग्नीशियम। तो इसको करेंगे हम मैग्नीशियम आयंस अटैच्ड टू मायोसिन। सेकंड इसमें अब एक्टोमायोसिन की ब्रेकिंग होगी break the bond between
एक्टिन एंड मायोसिन। अगर ऐसा होगा तो थर्ड क्या होगा, कवरिंग जो ट्रोपोमायोसिन की है फिर से लग जाएगी, दी ट्रोपोमायोसिन रिकवर्स दी एक्टिन प्रोटीन। फोर्थ यहां पर हम देखेंगे कि जेड लाइंस जो यहां पर पास आ गई थी अब क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फिर इसके बाद आई बेंड, यहां नैरोर हो गया था, यहां पर वाइडर हो जाएगा। फिर इसके बाद नो चेंज इन ए बेंड, एच जोन रीअपियर्स, वापस से आ जाएगा और इस तरह से रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर ये सारे के सारे डिफरेंसेस होते हैं और इस तरह के स्टेप्स एक के बाद एक नजर आते हैं।